हाँ जी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गाते हुए जा रहे थे, बूढ़ा बैठी थी बाहर अम्मा, अम्मा बोलती हूँ का ना ये बोलो राम राम राम। अम्मा कहीं तू बोलो हम ना बोलो, कहीं काहे, कहीं सब तो यही से भा है, जब से हमने राम का नाम शुरू किया हमारा सब खाना पीना बंद हो। एक बिटिया आई थी वृंदावन से और ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमने सब चाबी वाबी दे दी, मेरी बड़ी गति। बुढ़ऊ ने कहा चेक बा बताओ अम्मा, जो हम कहेंगे उसे मानोगी? कहा बिल्कुल मानेंगे। बताओ, कहा तुम्हारे घर में कोई बक्सा है ट्रंक बड़ा सा? कहा है तो सही, हमारे पीहर से मिला था। कहा ले आओ। अब बक्सा आ गया। कहा पुराना है जंग लगा? कहा जितना पुराना होगा असर उतना ही होगा। बोलो जय सिया राम। बक्सा लाया गया और उसमें कंकड़ पत्थर ढेर सारे डाल दिए गए और कहा जब रात में बेटा बहू सोने जाए ना तो बस इसमें कपड़ा बांध के इसको खुनखुन खुनखुन दो चार दस सिक्के डाल दिए, घुमा देना, सारा काम हो जाएगा, भोजन पानी सब मिलेगा। अब जैसे ही रात हुई और बहुरिया बढ़िया मलाई वाला दूध बबलू पापा के लिए लेके जा रही थी, बुढ़िया ने बुढ़ो उसका धीमे धीमे करो। अब जैसे वो खुनखुन 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 शुरू हुआ, बहुरिया के कान खड़े हो गए, कहां से आवाज आ रही। पहुंची जाके धीमे से पर्दा उठा के देखा तो बुढ़िया कहती है बुढ़ऊ से, अरे धीरे धीरे गिनो बेटा बहू जाग जाएंगे। आप तो ग्लास लास पटका और धीरे से पहुंची। हे बबलू पापा, हे कुंभकर्ण के पिताजी, कितना सोओगे? तुम्हारे माँ बाप के पास खजाना भरा पड़ा है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। अरे का बाली है गई का तो को मालूम नहीं है? कछु नहीं हमारे पिताजी के पास कछु नहीं, जो कुछ था सब खत्म। अरे कहा पागल हो? चलो कहा भाई तू बहुत तंग करती है, चल अच्छा। अब दोनों गए तो बूढ़ा ने बुढ़ऊ से तो पहले कह दिया, अब बुढ़ऊ कहते अरे क्या करती है धीमे धीमे गिन। और जैसे कहा धीमे धीमे गिन, आग तो शुरू। सुबह हुई बढ़िया साड़ी पहन के घर में, ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण पे दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अब तो बूढ़ा को लगा आवाज कहां से आ रही है। बहुरिया बढ़िया साड़ी वाड़ी पहने मंदिर में खड़ी, बोलो जय सिया राम। दौड़ के गई अम्मा, आरती ले लो, राधे राधे। कहा हाँ बिटिया राधे राधे। कहा सुनो, तुम्हारी साड़ी प्रेस कर दिए, हमारे साथ मंदिर चलोगी, आलू के पराठे बन गए हैं, चाय तैयार है, आप और बाबूजी दोनों साथ साथ नाश्ता करो। बुढ़िया ने कहा वाह प्रभु, परीक्षा लेते हो तो उबारते भी हो, वारी राम कथा, बोलो जय सिया राम। बढ़िया घी के छिपड़े हुए पराठे मिलने लगे, ठसासट खाने लगी बूढ़ा और बुढ़ो, खाए खाए है गई जवान। और जब भी बुढ़िया के पास आती बहुरिया तो एक बार बक्से जरूर नजर डालती, और उस पे लाल कपड़ा पड़ा था। और जब एक दिन काल का डंडा बजा तो बुढ़ऊ चल बसे, बढ़िया अच्छे से क्रियाकर्म किया गया। बुढ़िया खाती रही पराठे आराम से, रामकथा सुनती रही, जैसे आप सब सुन रहे हो, बोलो जय सिया राम। बढ़िया सुंदर जीवन चल रहा। और फिर एक दिन तो सबको जाना, टिकट कट गई। अब जब टिकट कटी तो ये हुआ कि पहले बक्सा खोला जाए, तो लोग थे समझदार, उन्होंने कहा अभी नहीं, जैसे कैलाश भैया जैसे समझदार व्यक्ति कि नहीं अभी बक्सा नहीं खोला जाएगा, संस्कार है, पहले चलो इनका क्रियाकर्म कर दो। बुढ़िया साजे गाजे बाजे शमशान तक पहुंच गई, अम्मा चली गई और अब बारी आई कि खोलो बक्सा। और जब बक्सा खोला गया तो उसमें कंकड़ और पत्थर। जो माँ बाप की सेवा स्वार्थ से करता है
जो माँ बाप को घर से बाहर निकालता है, जो बुजुर्गों का अपमान करता है, उसको कभी भी सुख नहीं मिलता। अगर बूढ़ा जामवंत ना होता तो राम जी कभी लंका को जीत ना पाते। बोलिए जय सिया राम। ये बुजुर्गों की रेस्पेक्ट, बुजुर्गों का सम्मान, माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। ये वो अनुभवी जन हैं, इन्होंने ऐसे नहीं कहते कि ये बाल हमने ऐसे सफेद नहीं किए। जिसके घर में बुजुर्ग है, ये समझ लीजिए जब तक पिता जिंदा है ना, घर की छांव बना हुआ है। जिस दिन घर से पिता की अर्थी निकल जाती है, उस दिन से बेटे से पूछिए कैसा वो अकेला रह जाता है। और जब तक मुखिया जिंदा है, तब तक बेटा एकदम सीना चौड़ा करके घूमता है कि मेरे बाप है, चाहे जैसा भी है, बीमार है, जैसा भी है, पैर में लकवा मार गया, लेकिन मेरे पिताजी, पिताजी के नाम से कार्ड लिखिए। और जिस दिन पिता चला जाता है, उसके बाद बच्चे को पता चलता है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई। और इस प्रकार से प्यारे हमारे दशरथ जी समझ गए कि अब ये मुकुट हमारे ऊपर शोभायमान नहीं है, थोड़ा बहुत आप बचा लेना। बोलो जय सिया राम। पूरा मत किया करो, कहना ना माना करो हम लोगों का। श्रवण समीप भय सित केसा, मनो जरटपन अस उपदेश। बाल सफेद, कानों में बाल ने कह दिया कि अब महाराज दशरथ काम में प्रवेश करना बंद कर दीजिए, अब जाइए और राम को राज्य। और ये बात मंथरा को पता चल गई कि भगवान के राज्याभिषेक की बात हो रही है। महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए कि गुरुजी मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, कार जो सोचा है जल्दी करो, विलंब मत करना। और वशिष्ठ जी भगवान राम को ज्ञानोपदेश देने के लिए आते हैं। इधर महाराज दशरथ तैयारी में लगते हैं, मैं अपने राघव को कल राजा करूंगा, कल राजा बनाऊंगा, कल राजा बनाऊंगा। और कल किसी का नहीं आता। मंत्रा बन गई निमित, नाम मंत्रा मंदमती, चेरी केरी चेरी कई केरी केरी, अजस पिटारी डार कर गई गिरामती फेरी। ये कुबड़ी गरम गरम सांसे ले रही है, इसको पता चल गया कि भगवान राम राजा होने जा रहे हैं। जाकर कैकेयी के कान भरने की तैयारी। हरी ओ कैकेयी, हरी ओ कैकेयी, हरी ओ कैकेयी। और मंथरा को देवताओं के द्वारा ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई थी, जब भी कोई कार्य आप भी घर में करें तो सबसे पहले देवताओं को लेटर दे दिया करो, मना लो, नहीं तो बारात चलती है, इधर बारात की अगवानी के लिए लड़की के पक्ष के लोग तैयार खड़े रहते हैं और बारात पता चली आ ही नहीं पाती। भोजन की थाल तैयार है, भोजन लोग कर ही नहीं पाते। निर्विघ्नम कुरमे देवः सर्वकारेषु सर्वदा। ऊंच निवास नीच कर दूती, ये तो सरस्वती जी ने फटकार कर कहा था, देख ही ना सके पराई विभूति, इन्हें सुहाय ना अवध बधावा, चोरे चंदनी राति न भावा। ये देवताओं तुम क्या कराने जा रहे हो मुझसे, तुम्हें अयोध्या की दीपावली नहीं अच्छी लग रही, अयोध्या के दीपक, अरे दीपक ना जलाओ, तुम्हें पता है एक दीपक जलाने में कितनी दिक्कत आती है, दियसलाई लाओ, तेल लाओ, दिया लाओ, बत्ती लाओ, तब जलाओ, और बुझाने के लिए एक फूंक पर्याप्त है। एक संख्या दीपक की ना बढ़ा पाओ तो कम से कम दीपक मत बुझाओ। लेकिन देवताओं ने गर्मा गर्म भाषण दिया, मंत्रा की बुद्धि सरस्वती जी के माध्यम से फेरी गई और यही मंत्रा गरम गरम सांसे, अरियो कैकेयी, अरियो कैकेयी, हाँ बता क्या बात है, मेरा राम कुशल है। अरे का राम ही छाड़े, कुशल के ही आजो, राम ही तो कुशल मंगल में है। और जब ऐसा कहा कि राम ही तो कुशल मंगल में, कैकेयी ने उठा के अपने गले का हार दे दिया कि चलो राम कुशल है मेरा। आप तो कुबड़ी को लगा पहला वार तो फेल हो गया। फिर धीमे से बोली, क्या बात है मंत्रे, क्यों मुंह बनाकर खड़ी। अरे कहा रानी तुमको पता नहीं है, बड़ा षड्यंत्र हो रहा। क्या षड्यंत्र? कहा पता, जो रानी कौशल्या है ना, वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, अपने बेटे को राजा बनाने जा रही है, और राजा बनेगा उसका बेटा, वो बढ़िया पद। अरे जैसे ऐसे एक थप्पड़ मारा खींच कर, कैकेयी जी ने, खबरदार दासी है, दासी की मर्यादा में रहना, एक शब्द भी अगर तुमने कौशल्या मैया के बारे में बोला। कहा अच्छा, तो कोई प्रमाण दे दो कि कौशल्या बहुत अच्छी। कहा कौशल्या के अच्छे होने का प्रमाण यही है कि राम उनका बेटा है, और मैं तो चाहती हूं कि कभी मुझे भी भगवान सौभाग्य दे कि राम मेरे गर्भ से प्रकट हो। फिर दूसरा वार हो गया, अब तो मंथरा कुछ नहीं बोलती। कैकेयी को लगा कि मैंने ज्यादा कह दिया, मायके से मेरे साथ आइए, जाकर ऐसे कंधे पे हाथ फेर दिया। और देखिए ये कुसंग है, घर में छुप कर रहता है, कुसंग का स्पर्श करोगे कुसंग तुम पे हावी हो जाएगा। आज भरत जैसे संत की माँ कुसंग की दासी बन जाएंगी। हाथ रखा, मंथरा को लगा ये मुझे प्यार करेंगी, हटो, बिल्कुल शान में आ गई।
अरे कैकेयी जी ने कहा क्या बात है, तू आज बाउली सी बात क्यों कर रही है बता मुझे। आप कुसंग ने अपना असर छोड़ना शुरू कर दिया। कहा रानी मैं तो तेरे भले की कह रही थी, तू तो पड़ी पड़ी सेज तोड़ती है, राजा रोज तेरे पास आते लेकिन तेरे साथ छल हो रहा है। देख राम राजा तो हो जाए मुझे भी अच्छा लगेगा। कुसंग देखिए बोल रहा है मीठा मीठा, राम राजा हो जाए मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो बात कही गई कि तुझे दासी होना पड़ेगा। सुमित्रा और कौशल्या सगी दोनों बहनें, दोनों का राज्य भाई वो राम जी राजा हो जाएंगे, इनकी तो बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी और तुझे कोई कुछ नहीं पूछेगा। अगर दासी का कर्म तो स्वीकार करेगी तो ठीक है, नहीं तो तुझे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अरे इतना सुनते कह के भबक पड़ी, मर जाऊंगी जल जाऊंगी कूद जाऊंगी लेकिन कभी दासी नहीं बनूंगी। कहा तुझे मैं बनने भी नहीं दूंगी रानी, मेरी बात मानेगी तो तेरा बेटा भरत राजा होगा। कहा हाँ मुझे भी कुछ ऐसा लगता है, रोज मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, बताओ बताओ। और अब बताना इसने शुरू किया है, झूठ बोलती है। कहा 15 दिनों से तैयारी चल रही, जबकि ये बात एक दिन की थी, उसी दिन की बात थी। 15 दिनों से तैयारी चल रही रानी, तुम्हें नहीं बताया गया, तुम बोली हो। कौशल्या बड़ी चतुर चालाक, कुसंग ने फैला दिया अपने पैर। अब रानी बातों में आना शुरू हो गई। अच्छा देखो तुम बहुत भोली हो, 2 वरदान तुम्हारे महाराज दशरथ पे उदार पड़े हैं। आज जब राजा दशरथ तुम्हारे कक्ष में आएंगे, राम राज्य अभिषेक की सूचना देंगे, बस तुम अपने वरदान मांग लेना। पहले में भरत का राज्य मांगना और दूसरे में राम का वनवास, और देखो वचन तब मांगना जब वो राम जी की सौगंध खा ले। और जाओ अब यहां से निकलो, संस्कार के भवन से निकलो और कोप भवन में चली जाओ, बोलो जय सियाराम। संस्कृति के वस्त्र उतार दो, विकृति के वस्त्र पहन लो, काले मैले कुचले वस्त्र पहन लो और अंधेरे कमरे में चली जाओ। सूर्यवंश को छोड़कर के कोप भवन में जाओ, कनक भवन में नहीं कोप भवन में चली गई। उतार दिए कपड़े, काले मैले कुचले वस्त्र फेंक दिए आभूषण, त्रिया चरित्र। लेकिन त्रिया चरित्र सबके लिए नहीं है, जो स्वभाव की उनके लिए, बोलिए जय सियाराम। बाकी तो अंबे की प्रतीक है माए मेरी, लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। इधर महाराज दशरथ सब काम काज निपटा के सारी व्यवस्था करके कैकेयी के पास आते, और जैसे ही भवन के पास खड़े हुए तो देखा कि मंत्रा लालटेन लेकर खड़ी है। मंत्रे तू यहाँ कैसे? कहा कुछ नहीं राजन, बस। कहा कैकेयी कहाँ है, महारानी कहाँ है? कहा कोप भवन में। जैसे ही कोप भवन सुना है, कोप भवन सुनी सकोच राऊ, कोप भवन सुनी सकोच राऊ, अरे पास अगरो परवी न पाओ, अरे पास अगरो परवी न पाओ। दशरथ का रोम रोम कांप गया कि ये क्या मंत्रा खड़ी है, क्योंकि महाराज दशरथ को कहीं ना कहीं खतरा लग रहा था। कैकेयी नरेश ने कहा था मेरी बिटिया जवान खूबसूरत है, और वो कैकेयी अगर कोई बेटा होगा तो तुझसे ही होगा और वो राजा बनेगा, ये बाप ने पहले डाल रखा था कैकेयी के मन में। और दूसरी बात, जो वस्त्र तुम तीर्थ में लेके जाते हो टैची में, जो वस्त्र सबसे पहले रखोगे उसका नंबर तीर्थ में बाद में आता है। जब बरसात होती है जो कीड़े अंदर जमीन के अंदर दबे हैं वही बाहर आते हैं,
इसलिए जो चित्त में पड़ा है वो निकल कर बाहर आएगा। आज बरसात हो गई है कुसंग की और ये कीड़े निकल के बाहर आने लगे द्वेष के। कोप भवन सुन सकुचे उराओ भय बस अगहुड़ पर ही न पाओ। दाहिना चरण उठाया था उठा का उठा रह गया। क्या हुआ महाराज दशरथ का प्रवेश देखा तो बस पड़ी है एकदम काले काले मैले। रानी देखो मैं आया हूं। क्या बात है रानी बोलो रानी। गोस्वामी तुलसीदास जी हंसने लगे कि महाराज दशरथ राम के राज्य अभिषेक की घोषणा करके आए हो। अरे तुझे राम के पास जाना चाहिए, तू तो काम के पास आ गया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब तेरा राम तुझे छोड़कर चला जाएगा। तुझे तो जाना चाहिए था पहले राम के पास और आ गए हैं कैकेयी के पास। और जहां कुसंग आज मालकिन बनकर बैठी हो, भरत जैसे संत की माँ दासी बन गई, उसके कहने में चल रही है। जाकर के हाथ पकड़ा, रानी क्या बात है, अनहित तोर प्रिया कही कीना, कही दुईसर कही जमो चह लीना। क्या बात है रानी, तेरा अनहित किसने किया बता मुझे। हटिए मुझे बात नहीं करनी, धक्का दे दिया। अरे बता, बार बार कह रहा हूं सुमुख सुलोचनी, पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गज गामनी नोच। गज गामनी निज कोप कर बताओ। अब बताओ 87 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति 80 वर्ष की बुढ़िया से कहे कि गो गज गामनी वो कोकिल बहनी कैसा लगेगा। क्या महाराज दशरथ पे ऐसे शब्द सुशोभित हो रहे। बार बार कह रहा हूं सुमुखी सुलोचनी ए पिक वचनी, अब राम कहां रह जाएगा बोलो। जय सिया राम। अनित तोर प्रिया कह की ना, कही दूसर कही जम चह लेना बताओ रानी। अरे बोलती नहीं, एकदम बिल्कुल शांत बैठी। अरे राजा ने कहा कि पता तेरे मन की करके आए हो रानी, कल राम राजा होने जा रहे हैं, तो तू रोज कहती थी ना कि राम को राजा बना दू राजा बना दू। ले मैंने तेरे मनोरथ को पूर्ण कर दिया। और जैसे राम राज्य अभिषेक की बात आई कहके एकदम रानी मैं बहुत खुश हूँ, बताओ आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। अरे कहती है तुमसे मांगूंगी। अरे कहा मुझसे नहीं मांगोगी तो आप किससे मांगोगी बताइए। आपको कहने में देर लगेगी, मुझे कहने करते करने में देर नहीं लगेगी बताओ। और जब कहा कि करने में देर नहीं लगी लगेगी तो कहा मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। का श्री राम नाम की सौगंध खाकर कहता हूं जो तू कहेगी मैं वो कहूंगा। कहा मुझे विश्वास नहीं हुआ, आपकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं। कहा तुझे रघुकुल की परंपरा स्मरण नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई की रीति क्या है एक बार हम लोग गालें। हम कुल रीति सदा चली आई बचन जाए पर जो है हमारा वो सुरक्षित रहे। बचन जाता है तो जाता है। रघुकुल तिलक हमारे भगवान राम का जो वंश है उसकी परंपरा क्या है कि प्राण चला जाए हमारा, हम जो भी वचन देंगे हमारे प्राणों को अगर उसके लिए आहुति देनी पड़े तो हम अपने वचन से पीछे नहीं होंगे। और इस प्रकार से जब कहा तो अब देखिए कैकेयी ने श्री राम नाम की सौगंध खिलाई, कौशल्या मैया के हाथ से थाली गिर पड़ी पूजा की, अशुभ घटित होने लगा, दिन में तारे टूटने लगे। बोलिए जय सिया राम। अब तो ये घटना जब विदित हो गई कि इस प्रकार से ये वातावरण उपस्थित हुआ है कि महाराज दशरथ ने कैकेयी को यहाँ पर श्री राम नाम की सौगंध से अलंकृत कर दिया, तो अशुभ की घटना का प्रचार प्रसार अयोध्या में होने लगा। लेकिन लोगों को बात नहीं पता है कि बात क्या है, अशुभ पे अशुभ, लेकिन लोग इतने खुश हैं कि अशुभ की ओर ध्यान नहीं दे रहे।
कौशल्या माँ के हाथ से थाली गिरी, माँ फिर रुद्राभिषेक कराने लगी। तोरण द्वार टूटे, तोरण द्वार ठीक कर दिए गए, लोग फिर नाचने गाने लगे। अब तो कैकेयी जब सोचती है श्री राम नाम की सौगंध, तो कैकेयी ने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी से आभूषण पहनने लगी, तैयार हो गई। और तैयार होकर के महाराज दशरथ के सामने बैठ गई, हाथ में हाथ ले लिया और कहती है पहला वरदान। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का। अभी तक क्या कह रही थी, अभी तक तो कह रही थी कि बड़े आए कहते वरदान मांग लो, और जैसे श्री राम नाम की सौगंध बैठ गई तैयार होकर, हाथ में हाथ लेके कहती ओ पिया, ओ मेरे प्यारे बल्लम, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत टीका। पहला वरदान मांगा भरत के लिए राज्याभिषेक, और जब भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा तो महाराज दशरथ को लगा चलो कोई बात नहीं, चाहे भरत जी राजा हो और चाहे राम, राम तो वैसे भी राजा नहीं बनना चाहते, और मांगो दूसरा, जो दूसरा वर मांगना है उसमें वो जोड़ रही है हाथ, मांगो दूसर वर कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ। ऐसी बन गई कैकेयी जी राम जी के लिए, जिन्होंने राम को पाला है, कि मैं मांग रही हूं दूसरा वरदान। क्या मांगा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। जैसे ही कहा तापस, तुम्हारा दशरथ को लगता है कि भरत को राजा बनाकर हमारे लिए और अपने लिए वन गमन मांग रही है, वैराग्य मांग रही है, लेकिन 14 वर्ष राम वनवासी। अरे महाराज दशरथ ने हाथ छोड़ा, क्या बात कर रही हूँ देवी, संभाल के, आपने गलत बोल दिया है मेरा नाम और आपका नाम। कहा नहीं, आपने ठीक सुना है, मैं राम का वनवास मांगती हूँ। और देखिए जब भरत के राज्याभिषेक की बात आई तो आप रोने लगे स्त्रियों के जैसे, राम राज्य अभिषेक की बात जब थी तो बड़ा हंसते मुस्कुराते आ रहे थे, देवी वरदान मांगो वरदान मांगो। और जब वरदान देना ही नहीं था, वचन को झूठा करना था, तो क्यों कहा था मुझसे। अरे महाराज दशरथ ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मोरे भरत राम दुई आंखी सत्य कहो कर शंकर साखी, क्या बात करती हो, मेरे लिए दोनों आंखें हैं राम और भरत, चाहे जो राजा हो जाए, और राम तो वैसे भी राज्य नहीं चाहता। देवी ये आपने गलत कहा है, तापस विशेष 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 उदासी 14 बरस राम और वनवासी, वापस लीजिए इन शब्दों को, मेरे राम ने ऐसा क्या किया है आपके साथ। कहा बहुत आए राम की प्रशंसा करने वाले, देखो राजन होत प्रात मुन वेश धर, जोन राम वन जाए मोर मनर मरन राउर अजस नृप समुझिए मन माए। प्रातः काल होते ही अगर राम वन की ओर नहीं गया तो तुम्हारा वंश कलंकित तो होगा, तुम्हारा वचन असत्य साबित होगा, कलंकित हो जाओगे और मैं तो जाकर डूब कर मरी जाऊंगी कहीं ना कहीं। महाराज दशरथ को धक्का लग गया, कहा अब ये नहीं माने, हरी रानी भिक्षा में मेरे जीवन को दान दे दे, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मान जा मान जा मान जा, नहीं मानी।
महाराज दशरथ रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण कल तुम ना उदित होना, अगर तुम आओगे तो सूर्य वंश का सूरज राम हमें छोड़कर चला जाएगा। रोने लगे महाराज दशरथ, विकल हैं, कहके ही मान जा मुझे जीवन दान दे दे, कहके ही कठोर हो गई, नहीं मानी, बिल्कुल बैठी है, हा राम हा राम हा राम, पछाड़ खाके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ फर्श पे पड़े हैं। एक कोने में कहके ही बैठी है ठनगन करके, सारी प्रजा रात भर नाच रही है। प्रातः काल क्या निर्णय होगा, महाराज दशरथ मूर्छित पड़े हैं, महारानी कहके ही बैठी हैं, और भोर का आगमन, सारी प्रजा ढोल नगाड़े लेकर, राम जी की जय हो, सीता मैया की जय हो, राम जी की जय हो, राम जी राजा हो रहे हैं हमारे, राम राजा हो रहे हैं, राम राजा हो रहे हैं। और देखिए सुमंत्र आए हैं कैकेयी के भवन पे, और कैकेयी को जाकर प्रणाम किया, कहा राजा कहाँ है, कहाँ है राजन, कहा सामने पड़े। अरे सुमंत्र ने देखा, ये क्या क्या हुआ मैया, परी न राजे नींद निश, हे तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किए पर कहाई न मरम महीश, राम से कोई काम है जाओ राम को बुला लाओ। अब तो सुमंत्र ने तमाशा देखा, आंसू छलक आए, महाराज दशरथ की स्थिति दौड़ कर गए, प्रजा ने कहा सुमंत्र जी की जय हो, महाराज कहाँ है, जागे हो अजय न अवधपति, कारण कौन विशेष, क्या हुआ महाराज, जागरण को प्राप्त नहीं हुए, क्या बात है। सुमंत्र जी पसीना पोंछने लगे, पसीने पसीने दौड़ कर गए, भगवान राम तो पूजा के वस्त्र में बैठे ही थे, सब लीला देख रहे थे। घराघव चलिए पिता ने बुलाया है, चरण में पादुका भी नहीं, दौड़ कर पिता के पास, कहके ही मिल गई, कहा माँ क्या आज्ञा है, और ये पिताजी की स्थिति, करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देख दुख सुनाना का, राम जी का स्वभाव करुणामयी है, और पहली बार इस प्रकार के दुख को देखा। कहा माँ बता मेरे पिता की स्थिति ऐसी कैसी हो गई, मेरे बाप को क्या हो गया, क्या बीमारी नहीं हुई, रात में क्या हुआ, बताना माँ बताना माँ। और जब कहा बताना माँ बताना माँ, कहा देखो राघव कल मेरे कक्ष में रात में आए, आपके राज्य अभिषेक की भैया सूचना दी, और मैंने वर मांग लिया, और उसी को सुनकर बात बना कर कह रही है, आपके लिए वनगमन मांगा है। अरे सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मैया वो बच्चा भाग्यशाली होता है जो माता पिता के चरणों में अनुराग रखता है, अभी तेरा राम वन को जाते हुए मिलेगा, रात में कहला देती तो अब तक तो मैं वन में बैठा होता। भगवान राम ने प्रणाम किया, अरे महाराज दशरथ की आंखें खुली, राघव 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 सुनो तो बेटा, सुनो तो बेटा, देखो मैं दिवालिया हो गया, मुझे पागल समझ लेना, मैंने कैकेयी से कुछ नहीं कहा, हे मेरे बछड़े हे मेरे बच्चे, कहीं मत जाना कहते कहते फिर भी होश हो, और राम जी पहुंचे हैं जानकी मैया के पास, जानकी मैया को सारी बात बताई, जानकी जी ने कहा मैं भी साथ चलूंगी, जिए बिनु देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, कहा नहीं देवी आप यहीं रहो, मैया की रक्षा करना मेरी माँ को, कौशल्या मैया रोने लगती, मैं चलूंगी साथ चलूंगी साथ चलूंगी, कंद मूल खाऊंगी, राघो तुझे मीठा जल पिलाऊंगी, नहीं माने। लखन भैया को पता चला, उन्होंने कहा ये कहके डायन हो गई बैरन हो गई, हमारे अयोध्या की स्थिति ऐसी कर दी, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा सुमित्रा मैया से। सुमित्रा मैया ने कहा देखो लखन लाल मैं तेरी माँ नहीं, तेरी माँ राम और जानकी, जाओ मेरी आज्ञा है, स्वप्न में भी भाई के प्रति कभी द्वेष भावना मत लाना।